गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन देख रहे हैं अमीन्स वाला चैप्टर, जिसके अंदर अपन ने उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी थी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अपन ने चारों टाइप की जो हॉफमैन्स रिएक्शन है वो देख चुके हैं अपन। इसके अलावा वी हैव ऑल्सो सीन द रिएक्शंस विच आर यूज टू डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन्स, इन विच ग्रिग्नार टेस्ट, नाइट्रोसो टेस्ट एंड हिंसबर्ग टेस्ट आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर देखो, जनरल मीन तो यही होता है कि कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। पर जितनी तरीके से और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक उसी तरीके से रिएक्शन नहीं हो पाती है। अमाइन्स की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो काफ़ी स्पेसिफाइड है, इसमें काफ़ी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, तो ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अमीन एज वेल एज द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन जब हम करवा रहे हैं तो बाय नेचर एक तो डिपेंड करता है कि प्राइमरी अमीन है या फिर सेकेंडरी अमीन है या फिर टर्सरी अमीन है। पहली बात तो इस नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड कर रहा है कि किसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक तो कैटलिस्ट बेस्ड रिएक्शन होगी और एक अमाइन्स की नेचर के बेस्ड रिएक्शन होती है। जनरली अपन क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट काम में लेते हैं, जिसमें अपन KMnO4 काम में लेते हैं। KMnO4 नहीं लेते तो K2Cr2O7 लेते हैं। मोस्ट ऑफ पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये लोग। अब देखो सिंपल मैंने एक रिएक्शन लिखा है RnH2। आई टुक हियर द एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री अमाइन, व्हेन इट ऑक्सीडाइज इट फॉर्म हाइड्रोक्सी अमाइन। कि प्राइमरी अमीन्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्सी अमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। देन फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, देन ये क्या करते हैं, नाइट्रोसो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और आगे इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी अमीन्स इसकी ऑक्सीडाइज कंडीशन है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन की ऑक्सीडाइज कंडीशन है नाइट्रोसो कंपाउंड, और नाइट्रोसो कंपाउंड्स की जो ऑक्सीडाइज कंडीशन है वो है नाइट्रो कंपाउंड्स। ओके, अब देखो ये तो है एक जनरल ट्रेंड किसका, ऑक्सीडेशन का है, ठीक है ना। जनरल ट्रेंड है ऑक्सीडेशन का, जिसके अंदर आप लोग ये कर सकते हो कि प्राइमरी अमीन्स कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करना है तो नाइट्रो कंपाउंड तक लिखना है आपको। अदरवाइज अगर सिंगल स्ट्रिप दिया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, डबल स्ट्रिप दिया तो नाइट्रोसो कंपाउंड, और कंप्लीट करवाना है तो नाइट्रो कंपाउंड लिख सकते हो। बट इसके अंदर देखो ये एग्जाम्पल यहाँ से नहीं आएगा, एग्जाम्पल जब इसका पूछा जाएगा तो ये एक स्पेसिफाई एग्जाम्पल होता है जिसके अंदर प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल है। ये प्राइमरी अमीन अटैच्ड विद द 3 डिग्री कार्बन, एक बल्की ग्रुप है NH2 ग्रुप अटैच्ड विद द 3 डिग्री कार्बन एटम कैन बी ऑक्सीडाइज बाय द KMnO4 विद द हाई यील्ड। कि जब NH2 ग्रुप है वो अगर बल्की ग्रुप, जिसमें बल्की ग्रुप सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री ग्रुप के साथ में जब अटैच है और अगर उसका ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और लास्ट स्टेप वी हैव सीन द कम्प्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स नाइट्रो प्रोडक्ट। तो ये NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन्स व्हेन दे ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दे कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड कन्वर्ट इन टू नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है यहाँ तक बात। नेक्स्ट स्टेप देखें, सेकेंडरी अमीन्स, व्हेन सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन्स ऑक्सीडाइज विद द KMnO4 इट गिव्स टेट्रा एल्किल हाइड्रेजीन कंपाउंड। देखो कैसे बनेगा, जब सेकेंडरी अमाइन को रिएक्शन करवाओगे तो एक हाइड्रोजन इसका, ठीक ऐसे ही दूसरा मोलिक्यूल एक हाइड्रोजन उसका, दो हाइड्रोजन अवेलेबल है। ऑक्सीडेशन के अंदर कौन है, ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन मिलकर के वाटर मोलिक्यूल लूज करेंगे, और दोनों मोलिक्यूल पीछे क्या बचता है, NR2, और उसमें भी क्या बचा है, NR2। तो NR2 और NR2 आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, या फिर इसकी क्या हो जाएगी, डाइमर बन जाएगा। डाइमर बनते टाइम नाइट्रोजन जो है ना, कंपाउंड विच पोजेस N डबल बॉन्ड N, कि जिसके अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हो, ठीक है। NH2 ग्रुप जिसमें होता है उसको हाइड्रोजन बोलते हो, और हाइड्रोजन में यहाँ पे एल्किल ग्रुप है तो इसके ऊपर भी दो एल्किल है, इसके ऊपर भी दो है, तो आपने इसको साथ लिखा है टेट्रा एल्किल हाइड्रोजन कंपाउंड। आई रिपीट द रिएक्शन, प्राइमरी अमीन्स KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन करना है, नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी अमाइन्स को करना है, डाइमराइजेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
थ्री डिग्री कंपाउंड्स जो होते हैं वो KMnO4 के थ्रू क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने रिएक्शन को। प्राइमरी अमीन्स गिव्स नाइट्रो कंपाउंड, सेकेंडरी अमीन गिव्स हाइड्रोजन, एंड टर्शियरी अमीन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज बाय द KMnO4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन टर्म है वो किस में होता है, ऑक्सीडेशन विद कैरो एसिड और H2O2। कैरो एसिड बोलते हैं हम H2SO5 को, ठीक है ना, सल्फर का एसिड है ये, H2SO5 होता है कैरो एसिड, या फिर आप बोल सकते हो H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड की प्रेजेंस में। देखो, प्राइमरी अमीन्स के लिए रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है, व्हेन प्राइमरी अमीन्स ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ कैरो एसिड एंड H2O2 इट गिव्स वेरियस टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच हाइड्रोक्सेमिक एसिड, इन विच एल्डोक्सीम, इन विच एनएल्किल हाइड्रोक्सिलमाइन कंपाउंड्स आर फॉर्म। कि जब प्राइमरी अमीन्स को हम करते हैं तो हमारे को आज तक ही नहीं पता चल पा रहा है इसमें कि कौन सा कंपाउंड हाई यील्ड के अंदर मिलेगा, नहीं तो देन वी ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्सेमिक एसिड, एल्डोक्सीम एंड एल्किल हाइड्रोक्सिलमाइन। कि प्राइमरी अमीन्स को जब इनके साथ ट्रीट करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स का क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है अपन को। ठीक है, सेकेंडरी है जब टू डिग्री अमाइंस को रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, है ना, टू डिग्री अमाइंस को जब कैरो एसिड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो क्या बनेगा, एन हाइड्रोक्सी अमाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन का कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो R2NH इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करवा रहे हो, तो जो H ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए रिएक्शन हाईलाइटेड है, स्पेसिफाई भी है। जब थ्री डिग्री अमाइंस को रिएक्शन करवाते हो तो एन ऑक्साइड बनता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, टर्शियरी अमाइंस को जब ऑक्सीडाइज करवाते हो तो एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वन डिग्री अमाइन ऑक्सीडाइज करवाया, क्या क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्सेमिक एसिड, एल्डोक्सीम और एन एल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल अमाइन भी मिलता है, एल्डोक्सीम भी मिलता है, हाइड्रोक्सेमिक एसिड भी मिलता है, इसका मतलब ये होता है मिक्सचर मिलता है अपन को। सेकेंडरी अमाइंस को रिएक्शन करवा रहे हो, हाइड्रोक्सी अमाइन मिल रहा है। थ्री डिग्री अमाइंस को जब ट्रीट करवाते हो तो एन ऑक्साइड मिलता है। काफ़ी हाईलाइटेड रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है, व्हेन एनिलीन, एनिलीन इज द बेंजेनिमीन, कि बेंजेनिमीन है उसी का नाम क्या फेमस है, एनिलीन फेमस है। व्हेन एनिलीन इज ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4, सिंपल बोलना चाहो तो बोल सकते हो एसिडिक KMnO K2Cr2O7 के साथ में इसको जब ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, क्विनोन, पैराबेंजो क्विनोन भी बोल सकते हो। ये ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है जिसको एनिलीन ब्लैक के नाम से जाना जाता है। या तो ऐसा दिया हुआ होता है ये वाला कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट, या फिर इसको हटा करके ये दिया हुआ होता है गिव द सुटेबल कैटलिस्ट। ठीक है ना, या कम्प्लीटली पूछ लेते हैं ऑक्सीडेशन की एसिडिक K2Cr2O7 की प्रेजेंस में इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है उसको हमने काफ़ी वाइल्ड तरीके से देखा है। कैरो एसिड H2O2 के साथ में वन डिग्री क्या देगा, हाइड्रोक्सेमिक एसिड, एल्डोक्सीम और एन हाइड्रोक्सी अमाइन का मिक्सचर। टू डिग्री क्या देगा, हाइड्रोक्सी अमाइन देगा। और थ्री डिग्री क्या देता है, एन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसे पहले वाली रिएक्शन देखी है जिसके अंदर अपन ने KMnO4 के साथ करवाया, तो वन डिग्री कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे रहे हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेकेंडरी है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोक्सी अमाइन का, सॉरी सेकेंडरी जो है वो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है, और टर्शियरी जो अमाइंस होते हैं वो ऑक्सीडाइज इसके साथ में नहीं होते। ठीक है, अब देखो जो एलिफेटिक अमीन्स है वो अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एलिफेटिक अमीन्स ऑलमोस्ट क्या, लगभग ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपने आगे के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर एनिलीन आएगा, डाइजोनियम सॉल्ट आएगा, उसके बाद में भी अपन देखते हैं कि उसमें जैसे यूरिया वगैरह आप लोगों के सिलेबस में भी है, तो वो इसके आगे देखेंगे। इसके लिए देखो मैं आपको क्या करूँ, लाइटली इस चैप्टर को एक बार रिपीट कर देती हूँ विद इन 5 मिनट, ताकि अगले टॉपिक से लिंक होए, उससे पहले आपको ये ओवरलैप नहीं हुए, ये आपकी हेल्प करे उसमें। ठीक है, तो देखो अमाइंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल कितना है, अमाइंस डेरिवेटिव है इसके, एंगल 107 इसमें होता है, आर ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, ये ऑर्डर लिखना है। अमाइंस का क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आर ग्रुप अटैच विद द नाइट्रोजन एटम। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस होते हैं ये। इसके बाद में देखो आप
नोमेनक्लेचर के अंदर तो कोई खास रूल नहीं है, नोमेनक्लेचर आप देखें खुद भी, आइसोमेरिज्म इट्स दैट्स सिंपल टॉपिक, होपमॉन्स मेथड, अमोनोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, बार बार इसका क्या होता है हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाता है आर ग्रुप से, इसलिए इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलते हैं। इसके लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो ये वाला होता है। इसके बाद में ये क्या होती है कि अगर हमको 1 डिग्री अमाइन लेना है तो NH3 को किस में लेना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा। अमोनोलाइसिस रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमोनिया का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है इसमें। फिर सेकेंडरी रिएक्शन है अमोनिया का लाइसिस किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, जिसमें क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं मिलेगा, बाकी रिएक्शन बिल्कुल कॉमन होती है। नेक्स्ट होती है नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से एक कंडीशन बताई थी LiLH4 या SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, कंप्लीटली रिड्यूस होकर के NH2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन NH2 से नाइट्रो, और अभी पढ़ रहे थे नाइट्रो से NH2, समझ आई। NH2 कंपाउंड्स का नाइट्रो कब बनता है, जब कम्प्लीटली KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किया, ये कब बनता है जब कम्प्लीटली इसको रिड्यूस किया, तो ध्यान रखें दोनों तरफ से ही आप इसको। फिर साइनाइड आइसोसाइनाइड एसिड एमाइड ऑक्जीम इनका रिडक्शन था, ठीक है। हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना फोर बेस के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, Br2 अमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, अमाइड के साथ डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए इसको यहाँ से रिप्लेस कर दें, डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल लें, सेम हियर। फिर इसकी देखी थी अपने मैकेनिज्म आप लोगों के सिलेबस में है, ठीक है। नेक्स्ट आती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस किसके लिए, 1 डिग्री अमाइंस के लिए काफ़ी फेमस रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही, जिसके अंदर पहले QH से ट्रीट करवाते हैं, देन पोटेशियम, देन RI से रिएक्शन करवाते हैं, देन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन वी ऑब्टेन द प्राइमरी अमाइंस। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, छोटे साइज के जो 1 डिग्री अमाइंस होते हैं उनको बना सकते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस इससे प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। देन आती है स्मिथ रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन में अपन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन। दूसरी आती है सेम कर्टियस रिएक्शन, जिसमें सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम एजाइड के अंदर करवाते हैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, जबकि स्मिथ रिएक्शन में रिएक्शन करवाते हो आप एसिड के साथ में। दोनों ही कंपाउंड जो रिएक्शन होती है NH2 और NH2 दोनों प्राइमरी अमीन्स का रिजल्ट देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई खास बात नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके से, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है तो ही बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में होता है, अल्कोहल्स में होता है, तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, उसके बाद में अमाइंस का है और एल्केन्स का इससे कम है। 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस्ट होती है इसलिए सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। सॉल्युबिलिटी अगर आप देख रहे हो तो सॉल्युबिलिटी मॉलिकुलर वेट का अपोजिट होती है, कोई खास बात नहीं। बेसिक नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नेचर में आपको ये देखना है एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं। रीज़न क्या है, प्लस आई ग्रुप उस पर प्रेजेंट होता है, डोनेशन साइट जितनी अच्छी होती है बेस उतना ही अच्छा होता है। इसको एक्सप्लेन करने की 3 थ्योरीज थी, इंडक्टिव इफेक्ट था, स्टेरिक इफेक्ट था, सॉल्वेशन थ्योरी। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर देता है 3-2-1, स्टेरिक फैक्टर देता है 1-2-3, सॉल्वेशन इफेक्ट देता है 1-2-3, ओवरऑल ऑर्डर आता है अपना 1-2-3। लेकिन मिथाइल के केस में आपको 2-1-3 याद रखना, और C2H5 के केस में 2-3-1 याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों ही, ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रेंथ देखा है अपने एलिफेटिक और एरोमेटिक में, एलिफेटिक और एरोमेटिक में अपने देखा है कि एलिफेटिक ज़्यादा बेसिक होता है। एरोमेटिक कंपेरिजन ये था कि एरोमेटिक में जब रेजोनेंस हो रहा है उस टाइम लोन पेयर की वजह इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो कर रहे हैं, इसलिए ये लेस बेसिक होंगे किससे, एलिफेटिक एमीन से, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखा था, डोनर ग्रुप अगर अटैच होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये रिएक्शन अल्कोहल और एसिड के साथ देखिए, तो दोनों के अंदर ये क्या करता है, सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, क्यों, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। मेटल्स के साथ में, एल्किल हैलाइड्स के साथ में, एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है सोटनबोमांस रिएक्शन, जिसको बेंजोइलेशन बोलते हैं। बेंजोइलेशन रिएक्शन अगर बेस यानी KMnO4 या फिर पिरिडीन के प्रेजेंस में अगर हो जाती है तो उस रिएक्शन को आप बोलते हो सोटनबोमांस रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ में शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन करता है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन बोलते हैं जब अमाइंस की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ करवाई जाती है तो RNC कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो अनप्लीजेंट स्मेल के साथ में प्रेजेंट होते हैं। इस स्मेल के बेसिस पे पता चलता है कि दिया हुआ कंपाउंड कौन सा है, प्राइमरी अमाइन है। ये कौन सा है, नाइट्रोसो टेस्ट है, ठीक है।
ठीक है ना। नाइट्रोसो टेस्ट के अंदर क्या करते हैं अपन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके बाद में आता है हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है ना। हिंसबर्ग टेस्ट में भी क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, कौन सा सोल्यूबल है कौन सा नहीं है इसके बेसिस पे। उसके बाद में आती है कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट अपन ने देखी थी आज वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के स्पेसिफाई केस देख चुके थे। ये सारा मैटर तो किसके अंदर था, ये सारा मैटर था अपना एलिफेटिक एमीन्स में। फिर भी अगर आप लोग इस चैप्टर को आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ में कंपेयर करते जाएं, अगर आपको ऐसे लगता है कोई रिएक्शन छूट रही है तो आप उसको उसका नाम लिख लें, जब भी होगा अपन इसको क्रॉस रीडिंग करते टाइम उसको ऐड कर देंगे, है ना। कोई खास बात नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को ये लगे कुछ टॉपिक नहीं समझ आया है या कुछ टॉपिक ड्रॉप आउट हो गया तो आप उसको नोट करके रखें, आई विल क्लियर द ओल्ड सस्पेंशंस। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन किसको कहते हैं, एनिलीन होती है एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन का मतलब होता है बेंजीन ग्रुप, और बेंजीन ग्रुप जिसके ऊपर क्या है NH2 ग्रुप प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं एनिलीन। अब देखो एनिलीन जो होती है उसके अंदर, एनिलीन जो होती है उसके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, और ये NH2 ग्रुप क्या होता है, डोनर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है रिएक्शंस के लिए। ये इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजीन, ठीक है। फिर दूसरी बात ये होती है कि एनिलीन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से होती है, ठीक है। रेजोनेंस के टाइम में सिमिलरली ये रेजोनेंस एक बार पहले भी रिपीट हुआ है किसके अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था उस टाइम आया था। तो जब भी जो एनिलीन होता है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है। रेजोनेंस हमेशा लोन पेयर से स्टार्ट होता है या फिर निगेटिव चार्ज से स्टार्ट होता है या फिर डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लोन पेयर था, लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड शेयर किया। जैसे ही डबल बॉन्ड होगा इस कार्बन की वैलेंसी 5 होती है तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को आगे पुश आउट कर देता है। तो लोन पेयर यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे आएगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन के ऊपर देना तो नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन था पर दोनों दे दिए, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, और उस कमी को किससे शो करेंगे अपन, प्लस चार्ज से शो करेंगे। देन इसके ऊपर क्या आया है, डबल बॉन्ड के आने से नेगेटिव चार्ज। आगे की कंडीशन के अंदर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड क्या बना रहे, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया इसलिए दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और बॉन्ड टूट करके क्या बना रहे, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, बॉन्ड, और बॉन्ड टूट करके क्या बना रहे, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन में नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, बॉन्ड, और बॉन्ड टूट करके क्या बनाता है, नेगेटिव। इसने नेगेटिव बनाया तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जो क्या हो जाएगी, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। ओवरऑल इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन यहाँ से यहाँ तक अगर रीड करें तो हमने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक आते टाइम ऑर्थो और पैरा पोजिशन है उसके ऊपर पार्शियली कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो पार्शियली इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पार्शियली नेगेटिव चार्ज अकर्स। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत फास्टली होती है, ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अपन को सिंगल प्रोडक्ट की बजाय क्या मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी मिलते हैं। तो इस डिफ़िकल्टी को शो कर रिमूव करने के लिए कि हमको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट करने के लिए अपन को क्या करता है, इस NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, है ना, या फिर इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से क्या होती है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली क्या होती है, रेजोनेट होती है। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट गेन करने के लिए, तो अपने क्या लिखा है, टू गेन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एमिनो ग्रुप हैज़ टू बी रिड्यूस बाय द एसाइलेशन रिएक्शन विद द एसिटिक एनहाइड्राइड शुड बी डन। कि इस ग्रुप को प्रोटोनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले एसाइलेशन रिएक्शन करनी पड़ती है जिससे एसिटेनलाइड का फॉर्मेशन होता है, और ये ग्रुप क्या होगा,
इसका जो ग्रुप होगा वो जितना लोन पर पहले दे रहा था उसकी बजाय ये क्या होता है, दो तरफ से पार्टिसिपेट हो जाता है, दोनों तरफ पार्टिसिपेट होने से इसकी रिएक्टिविटी गिर जाती है, इसलिए या तो हमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है या फिर क्या मिलता है, पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो सिंगल प्रोडक्ट लेने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा। जैसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, हमने इसको प्रोटोनेट नहीं किया है, प्रोडक्ट नहीं किया है, प्रोटोनेट नहीं किया है, तो हमको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गया। नाइट्रेशन जब अपन कर रहे हैं तो नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होता है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, पहले बेस इस यहाँ इस एसिड से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने से NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका इफेक्ट डोनर की बजाय कौन सा हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा, और डोनर की बजाय एक्सेप्टर इफेक्ट होगा तो ऑर्थो और पैरा की बजाय प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर इसको आप प्रोडक्ट कर देते हो तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनता है, कुछ अमाउंट में ऑर्थो बनता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि इसमें मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है, तो मेटा प्रोडक्ट बनता है कि एनिलीन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, वाइल इट ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, सो इट फॉर्म एनिलीनियम आयन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन मेटा प्रोडक्ट इज ऑब्टेन विद द हाई यील्ड। ओके, नाइट्रेशन रिएक्शन को अगर आप सिंगल डायरेक्शन में लेना चाह रहे हो, यानी आपको मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन को करने के लिए पहले एसाइलेशन करना पड़ता है। एसाइलेशन के बाद में अपन क्या करते हैं, इसका नाइट्रेशन करते हैं, और उस नाइट्रेशन से अपन को क्या मिलती है, या तो ऑर्थो मिलता है या फिर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, पैरा प्रोडक्ट मिलता है। टुडे आई विल ड्रॉप द रिएक्शंस, नेक्स्ट क्लास में अपन अदर रिएक्शन देखेंगे इसकी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।